यूनिफॉर्म सिविल कोड, या आप ये भी कह सकते हैं वन नेशन वन लॉ। क्या है वर्तमान समय में चर्चा में चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप किसे कहते हैं, इसके मायने क्या है, क्या भारत के संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोई प्रावधान किया गया है, और अगर प्रावधान किया गया है तो आज तक हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू क्यों नहीं किया गया, ये प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में समय चल रहे होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। हमारे देश में दो प्रकार के कानून है सर, एक है सिविल कानून और एक है क्रिमिनल कानून। क्रिमिनल कानून क्या होते हैं, जैसे मारपीट का कानून हो गया, चोरी का हो गया, ये पूरे देश के लिए समान है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अगर आप चोरी करेंगे तो वही पनिशमेंट आपके लिए होगा जो हिंदू के लिए होगा, मुस्लिम के लिए वही सेम होगा, ईसाई के लिए भी सेम होगा। लेकिन सिविल कानून हमारे कंट्री में अलग अलग है, हर समुदाय के अलग अलग है। हिंदू के कानून हिंदू पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग है, मुस्लिम के कानून मुस्लिम पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग है। अलग अलग समुदाय के अपने अलग अलग कानून हम लोगों ने बना रखे। हिंदू के लिए विवाह का अलग कानून है, तलाक का अलग कानून है, और प्रॉपर्टी ट्रांसफर को लेकर उत्तराधिकार का अलग कानून है। मुस्लिम के लिए अलग कानून है। हर धर्म के व्यक्तियों ने अपने धर्म के अनुसार अपने कुछ नियमों और कानूनों को बनाया हुआ है और उनके अनुसार से चीजें चल रही हैं। लेकिन बड़े लंबे समय से मांग करी जा रही है कि सिविल कानून भी सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। ये मांग क्यों की जा रही है, क्योंकि कुछ धर्म के अंदर कुछ ऐसी कुरीतियां पाई जाती, कुछ चीजें पाई जाती जिनको लेकर सब लोगों ने डिमांड करी कि एक कंट्री है, वन नेशन है, तो वन लॉ होना चाहिए। सबके लिए शादी का नियम एक जैसा, तलाक का नियम एक जैसा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर का नियम एक जैसा, और अच्छी बात भी लग रही है देखने में। तो ऐसा किया क्यों नहीं गया, इसके पीछे कारण ये रहा कि हर व्यक्ति ने, हर समुदाय के व्यक्ति ने अपना एक तर्क दिया कि हम अपने धर्म के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहते हैं, हमारा धर्म हमारा अधिकार है, और भारत के संविधान के आर्टिकल 25 में आपको धार्मिक अधिकारों के बारे में स्वतंत्रता दे रखी है, आप अपने धर्म के अनुसार अपने जीवन को चला सकते हैं। तो सभी को अगर कॉमन कर दोगे तो व्यक्ति का धार्मिक अधिकार कहां जाएगा। इस बात को लेकर हमारे देश में वन नेशन वन लॉ लागू नहीं किया गया। लेकिन वन नेशन वन लॉ के लिए सिविल कानूनों के संबंध में ये मांग पुराने समय से चली आ रही है, और आप देखेंगे अंग्रेजों ने इसके लिए प्रयास भी किए थे। 1835 में अंग्रेजों ने प्रयास किया लेकिन ये सक्सेसफुल हो नहीं पाया, और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इसके लिए शुरू से प्रयास करती रही है। 2019 के अपने जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें उन्होंने इसका प्रॉमिस भी किया था कि हमारे देश में एक समान कानून लागू होगा पूरे कंट्री के लिए, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए एक जैसा कानून होगा, हम अलग अलग कानून नहीं रखने वाले। लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं पाया। कुछ हमारे देश में राज्य सरकारों ने प्रयास करने की शुरुआत करी, जैसे उत्तराखंड, उन्होंने अभी विधानसभा में विधेयक पेश किया यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, और उसमें विवाह को लेकर, तलाक को लेकर, प्रॉपर्टी ट्रांसफर उत्तराधिकार को लेकर, और लिविंग रिलेशनशिप, आजकल विवाह के नए नए फॉर्मेट आ गए, आजकल जो लोग हैं शादी से पहले साथ में रहना शुरू कर देते हैं, तो इस सब को लेकर उत्तराखंड सरकार ने एक ऐसा ड्राफ्ट बनाया, ऐसा मसौदा बनाया कि सबके लिए जैसे कानून होंगे, और उस कानून के आधार पर वहाँ यूसीसी लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड के इससे पहले गोवा एक राज्य है जहाँ फैमिली कोड लागू है, और वहाँ पर जो है एक समान नागरिक संहिता जैसी चीज ऑलरेडी चलती है। अब यूसीसी को लागू करने में समस्या क्या है, समस्या ये है कि हमारे देश में इतने सारे समुदाय है, अब उन सारे समुदायों के लिए एक जैसा कानून बना देना, सभी धर्म के व्यक्तियों को सेटिस्फाई कर देना, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को सेटिस्फाई कर देना, ऐसा एक ड्राफ्ट बना देना जो सभी को स्वीकार हो जाए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं, जाति हैं, धर्म हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अब सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाके सभी को एक तरह समान कर देना ये थोड़ा कठिन कार्य है। लेकिन अगर देखा जाए कि आपसी सामंजस्य के माध्यम से, आपसी बातचीत के माध्यम से, लोगों से बातचीत के माध्यम से सभी प्रकार के समुदायों को, सभी धर्मगुरुओं को आपस में साथ में मिलाकर ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा बनाया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए प्रयास किया है, और उसमें कुछ तलाक को लेकर, कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, कैसे मैरिज का रजिस्ट्रेशन होगा, इस सब को लेकर कुछ कानून बनाए गए हैं। अभी देखना कि जनता इसे स्वीकार करेगी या अस्वीकार करेगी, क्या सभी धर्म के व्यक्ति इसे स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे, राज्य अपना कार्य कर रहा है। तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसे कहते हैं एक समान नागरिक संहिता। इसका पक्ष भी और इसका विपक्ष भी है, दोनों प्रकार के इसको लेकर तर्क है। जो लोग अच्छा मानते हैं वो सबको समान देखेंगे, और जो लोग अपने धर्म को ज्यादा स्वीकार करते हैं वो इसे अपने धर्म के ऊपर आक्रमण बताएंगे। तो दोनों इसके पक्ष विपक्ष हो सकते हैं, आप इसको लेकर सोचें, अपनी राय क्या है इसको लेकर आप अपनी राय को जरूर दें, और एक अच्छे नागरिक होने के साथ में जागरूक बने। जय हिंद दोस्तों।